मुस्लिम युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में आज मुस्लिम समाज ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने एवं उनके मकान तोड़ने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कल रात को खाराकुआ थाना क्षेत्र के टंकी चौक इलाके में एक फिजियोथेरेपिस्ट मुस्लिम युवती के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी, जिसका विरोध कल रात को सैकड़ों समाजजनों ने खाराकुआ पुलिस थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया था। इधर आज फिर समाजजनों ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव और धरना देकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद हुए। नाराज लोगों का कहना था कि जिस प्रकार पुलिस द्वारा आरोपियों का जुलूस निकालकर मकान तोड़े जा रहे हैं, उसी प्रकार कार्यवाही इन आरोपियों के खिलाफ भी की जानी चाहिए। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सचिन शर्मा से मिलकर अपनी बात रखी। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं कांग्रेस नेत्री नूरी खान भी मौजूद थी। के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, फिर अलग अलग समुदाय द्वारा थाना घेरा गया था, उसके बाद आज भी कोई प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है, तो कुल मिलाकर क्या है पूरा मामला अभी तक? उज्जैन जिले के थाना खाराकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टंकी चौक में एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जांच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है, मेडिकल इसमें करा लिया गया। प्रतिनिधि मंडल आया था, उनकी क्या मांगे थी और बाहर से प्रदर्शन होगा? प्रतिनिधि मंडल ने यही कहा है कि इसमें यथाशीघ्र जो कार्रवाई है, चाहे वो चलानी हो, गिरफ्तारी हो, वो सुनिश्चित की जाए और हमने भी यही आश्वासन दिया है कि इसमें यथाशीघ्र सभी कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली जाएंगी। अभी किन मामलों में धाराओं में मामला दर्ज किया गया है जी? किस धारा में मामला कायम कर रात को हुआ? इसमें छेड़खानी का प्रकरण और 341 आईपीसी और जो मारपीट की धाराएं होती है 323-5 उन धाराओं में दर्ज हुआ है। मकान तोड़ने की और इन डिमांड से मुझे अभी तक अवगत नहीं कराया गया है, पर यदि ये नियम में होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल जिस प्रकार की घटना हुई, एक महिला के साथ मारामारी हुई है, उसमें जितने दोषी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरीके की जो घटना है ये अशोभनीय है। किसी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई सबके ऊपर करनी चाहिए। क्या बात है, हमने कुछ वीडियोस दिए हैं उनको और कुछ फुटेज वो वहाँ से जो थाने के सामने कैमरे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ से वो फुटेज मंगाने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर आने भी इसमें धारा जोड़नी पड़ी तो हम जोड़ेंगे। तो कोई एक जना हुआ तलवार लेके घूमता हुआ नजर आ रहा है, वाला वीडियो दिया है, उसमें पहले देखते हैं वहाँ पर कि वो उनके फुटेज से अगर होगा तो अन्य धारा भी पड़ेगी। किस प्रकार से कार्रवाई क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं के साथ मारपीट ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में भी किस तरह की घटनाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से इंतजाम ने बुलाया कि वहाँ के हम सारे फुटेज मंगा रहे हैं, वहाँ फुटेज मंगाने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें